हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स। फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग ऑन अवर एमसीक्यू सीरीज। वी हैव बीन सीइंग फोर सीरीज ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग एमसीक्यूज सॉल्व प्रॉब्लम्स। मैं कोशिश कर रही हूँ दोस्तों कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको हर सब्जेक्ट के दे सकूँ, जिससे कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। इसके पहले हमने चार सीरीज़ देखी है, जिनमें हमने 160 यानी कि 160 क्वेश्चंस को विथ आंसर एंड विथ लॉजिक सॉल्व कर दिया है। ये हमारी लास्ट सीरीज़ होगी कॉस्ट अकाउंटिंग की, सीरीज़ 5, जिसमें हम 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। तो ये 5 सीरीज़ को अगर आप पढ़ाई करते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मल्टीपल चॉइस पेपर है, आप उसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि इन 5 सीरीज़ में मैंने जो 200 क्वेश्चंस दिए हैं, उन 200 क्वेश्चंस को उसके आंसर के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया है, और उसका आंसर वैसे ही क्यों आता है, इसका जस्टिफिकेशन, इसका लॉजिक भी हम लोगों ने डिस्कस किया है हर सीरीज़ में। अगर आप इन सब सीरीज़ को देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और आप उन सारी सीरीज़ को पढ़ सकते हैं, सारी सीरीज़ की स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम देखते हैं हमारी लास्ट सीरीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग की। वी विल स्टार्ट विथ अवर 161th क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज --- फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Abnormal waste, normal waste, both A and B, none of these. तो करेक्ट आंसर है normal waste. Normal waste forms part of cost of production. क्योंकि cost of production में जब costing की बात की जाती है, तो costing में normal wastage की जो amount होती है, उस amount को add करना ज़रूरी होता है। क्योंकि normal wastage जो है, वो wastage costing के production में आया है, तो उसको cost में लेना ज़रूरी है। अगर वो हम नहीं लेंगे, तो हमें profit margin कम होगा, या फिर हम loss में भी हमारा product sell कर सकते हैं। तो normal waste जो है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है --- डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। एबनॉर्मल वेस्ट, नॉर्मल वेस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो एबनॉर्मल वेस्ट जो होता है, वो हमारे प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि वो नॉट नेसेसरीली कि होगा ही या नहीं होगा ही, वो एक्सेप्शनल होता है। लेकिन नॉर्मल वेस्टेज जो है, वो प्रोडक्शन का पार्ट होता ही है। तो एबनॉर्मल वेस्ट जो है, वो उसे प्रोडक्शन का पार्ट नहीं माना जाता। तो करेक्ट आंसर जो आएगा, वो होगा एबनॉर्मल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल लॉसेस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस शुड बी ट्रांसफर्ड टू --. अब एबनॉर्मल रीजंस की वजह से जो मटेरियल लॉसेस होते हैं, उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को, या कहीं भी नहीं? तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, वो मेंटेन करता है इन सारी लॉसेस को। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें मटेरियल लॉसेस है, जो एबनॉर्मल रीजंस के वजह से अराइज हुए हैं, उनको वहां पर ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन डिफेक्टिव्स आर दैट पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन व्हिच कैन बी --- एट सम एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ रीऑपरेशन। अब डिफेक्टिव्स जो होते हैं हमारी प्रोडक्शन के, वो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट जो कि कॉस्ट का, री ऑपरेशन का कॉस्ट होता है, उसका एक सम एक्स्ट्रा पार्ट होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है नंबर बी, रेक्टिफाइड। जैसे कि हमें ऑप्शन थे सोल्ड, रेक्टिफाइड, परचेज, नन ऑफ दिस। तो डिफेक्टिव्स आर दैट पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी रेक्टिफाइड एट सम एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ री ऑपरेशन। डिफेक्टिव्स जो होते हैं, वो हमारी प्रोडक्शन के कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं, जिन्हें रेक्टिफाई किया जा सकता है कुछ रीऑपरेशन के ज़्यादा कॉस्ट के साथ। तो ऑप्शन बी जो है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है --- इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द जॉब इन टर्म्स ऑफ इट्स मनी वैल्यू। अब जॉब इवेल्युएशन मनी वैल्यू में कौन सी मेथड में होता है? तो मेथड है जॉब इवैल्यूएशन। जैसे कि हमें पता है, जॉब इवैल्यूएशन में हम इवैल्यूएट करते हैं जॉब को इन टर्म्स ऑफ इट्स मनी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जॉब इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब आर नोन एज --. अब पर्टिकुलर जॉब का जो रिक्वायरमेंट है,
उसे हम किस में ध्यान में लेते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब स्पेसिफिकेशन में, जॉब वैल्यूएशन में, या बोथ ए एंड बी? तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो जॉब पर्टिकुलर जॉब क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दी होती है, सारी इंफॉर्मेशन रखी गई होती है। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो पर्टिकुलरली हमें बताता है कि हमारे जॉब के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें क्या क्या लगेगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। देन क्वालिटीज डिमांडेड फ्रॉम द जॉब होल्डर इज टेक्निकली नोन एज। अब जॉब होल्डर से कौन सी क्वालिफिकेशन डिमांड की जाने वाली है, या फिर कौन सी क्वालिटीज टेक्निकली उसको आनी चाहिए, इन सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी जॉब स्पेसिफिकेशन में लिखी गई होती है। क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन में स्पेशलिटीज़ यानी कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो होती है उनके बारे में लिखा गया होता है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है वो हमें स्पेसिफाई करता है कि हमें कौन सी क्वालिटी के जॉब होल्डर चाहिए या फिर एम्प्लॉयज चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा जॉब स्पेसिफिकेशन। डैश डैश इज कंसर्न्ड विथ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कंसर्निंग अ जॉब एंड डैश डैश इज कंसर्न्ड विथ एसर्टेनिंग द मनी वैल्यू ऑफ जॉब। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो जॉब में कौन सी चीज़ें होती हैं उसके बारे में डिस्कवर करता है, फैक्ट्स के बारे में डिस्कवर करता है। और जॉब इवैल्यूएशन जो होता है वो हमारी मनी वैल्यू को इवैल्यूएट करने का काम करता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसमें हमारे जॉब का यानी कि जॉब पर्टिकुलर जो जॉब हमें करना है उस जॉब की जो डिस्कवरी होती है, उस जॉब में कौन से फैक्ट्स कंसर्न्ड है, उस जॉब में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, इन सब चीज़ों का एनालिसिस वहाँ पर होता है। तो जॉब एनालिसिस को ही डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कंसर्निंग कहा जाता है। तो जॉब एनालिसिस लगेगा। और जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग देखते हैं कि मनी वैल्यू जो होती है वो एसर्टेन की जाती है। तो जॉब इवैल्यूएशन हमारा सेकेंड आंसर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंडक्टिंग डैश डैश वर्कर्स आर स्टडीड एट दियर जॉब्स एंड ऑल दियर मूवमेंट्स एंड मोशंस आर नोटेड। अब क्या करने के लिए वर्कर्स को स्टडी किया जाता है उनके जॉब में, और उनके सारी मूवमेंट्स पर या उनके सारे मोशंस पर ध्यान दिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और उनको एनालाइज किया जाता है, ऑब्जर्वेशन से नोटिस किया जाता है। तो हमारी जो मोशन स्टडी है उस मोशन स्टडी में हमारे वर्कर्स को इस तरह से स्टडी किया जाता है। वर्कर्स के हर मोशन पे, हर मूवमेंट पर स्टडी किया जाता है, हर मूवमेंट पर ध्यान देकर उन्हें ट्रेन किया जाता है। तो हमारी मोशन स्टडी जो है वो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज द असेसमेंट ऑफ रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब विद इन अ कंपनी वेयर एज डैश डैश इज द असेसमेंट ऑफ रिलेटिव वर्थ ऑफ मैन बिहाइंड द जॉब। अब इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। जॉब इवैल्यूएशन में हम वर्थ देखेंगे हमारी जॉब का, कंपनी में जो जॉब है उसका वर्थ क्या है यानी कि मॉनिटरी वैल्यू क्या है उसे हम देखेंगे। तो जॉब इवैल्यूएशन यहाँ पर आ जाता है। और असेसमेंट जो होता है रिलेटिव वर्थ का, और रिलेटिव वर्थ का असेसमेंट पर्टिकुलरली टू दैट एम्प्लॉय, पर्टिकुलरली टू दैट मैन हु इज डूइंग दैट जॉब, तो वो मेरिट रेटिंग में होता है। तो उसका दूसरा आंसर आएगा मेरिट रेटिंग, कि जिसमें आदमी किस तरह से काम कर रहा है, कौन से लेवल तक काम कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो है जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड शुड बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर शोन एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम रिटर्न ऑफ एंड अपोर्शनड अमंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एप्लीकेबल टू इन्वेंटरी। अब अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो अपोर्शन किए जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ, और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं हमारी इन्वेंटरी के साथ, क्योंकि इन्वेंटरी को हमें यूज करना होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, क्रेडिट एंड कलेक्शन कॉस्ट इज एन आइटम ऑफ सेलिंग ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड।
अब हमारा जो क्रेडिट एंड कलेक्शन कॉस्ट होता है वो पार्ट होता है हमारे सेलिंग ओवरहेड्स का, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड्स में ही हम क्रेडिट पर सेल करते हैं या फिर हमने जो सेल किया है उसका कलेक्शन करते हैं, तो ये वाली जो कॉस्ट होगी वो सेलिंग ओवरहेड्स में आएगी, तो उसका करेक्ट आंसर है सेलिंग ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हाउसिंग कॉस्ट इज एन आइटम ऑफ ऑफिस ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मटेरियल कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ऑफिस ओवरहेड में हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हम वेयर हाउसिंग कॉस्ट देखते हैं, क्योंकि मटेरियल जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो वेयर हाउस में जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारा करेक्ट आंसर होगा। मटेरियल कॉस्ट जो होता है वो पहला कॉस्ट होता है, प्राइम कॉस्ट में आता है, और वर्क्स ओवरहेड्स में हम सारे फैक्ट्री कॉस्ट देखते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन डैश डैश Each job is cost unit to which all costs are assigned. Batch costing, job costing, process costing, operation costing. कौन से costing में each job को cost unit में यानी कि सब cost में applied किया जाता है या फिर सब cost को assign किया जाता है, तो job costing में each job में cost unit को assign किया जाता है, तो correct answer है job costing. नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल कॉस्ट ऑफ ईच जॉब आर डिटरमाइंड फ्रॉम डैश डैश। मटेरियल कॉस्ट को हर जॉब में कहाँ से डिटरमाइन किए जाते हैं, तो वो बिल ऑफ मटेरियल से और मटेरियल रिक्विजिशन नोट से जो है डिटरमाइन किए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी जो है, बोथ ए एंड बी, जिसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों भी है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि बिल ऑफ मटेरियल्स और मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स में मटेरियल कॉस्ट हमारे ईच जॉब का डिटरमाइन किया जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रिंटर्स यूजेस डैश डैश कॉस्टिंग, प्रिंटर्स जो है वो बैच कॉस्टिंग सॉरी जॉब कॉस्टिंग यूज करते हैं, तो प्रिंटर्स के लिए जॉब कॉस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ईच जॉब हैज डैश डैश प्रिपेयर्ड फॉर इट दैट बियर्स द जॉब नंबर एंड व्हिच इज यूज्ड टू कलेक्ट ऑल कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू जॉब। अब जॉब कॉस्ट कार्ड जो है वो प्रिपेयर करते हैं हमारे ईच जॉब के लिए, जो जॉब कार्ड है उसमें हर जॉब का एक नंबर होता है और जिसमें हमारे कॉस्ट डेटा का कलेक्शन होता है, यानी कि हमारी सभी कॉस्ट डेटा का कलेक्शन इस जॉब कॉस्ट कार्ड में होता है, और इसमें हमारे जॉब नंबर, जॉब को एक नंबर भी असाइन किया गया होता है जो नंबर वहां पर हमें देखने मिलता है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा जॉब कॉस्ट कार्ड। देन एन ऑटोमोबाइल सर्विस यूनिट यूजेस डैश डैश कॉस्टिंग। अब ऑटोमोबाइल सर्विस यूनिट जो होती है वो जॉब कॉस्टिंग ही यूज करते हैं, तो आंसर है जॉब कॉस्टिंग। वेयर द वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट एंड ईच ऑर्डर इज ऑफ कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, इट इज कॉल्ड एज जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, तो कस्टमर के स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए ये कॉस्टिंग काम करती है, और इनमें जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, तो उसे जॉब कॉस्टिंग कहा जाता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिटरमाइंड इन इंडस्ट्रीज वेयर डैश डैश कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड। अब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है हमारी इंडस्ट्रीज में जहाँ पर बैच कॉस्टिंग यूज की जाती है, जैसे कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी नेम ही इम्प्लाई कर रहा है, तो उसमें बैच कॉस्टिंग जो है वो कॉस्टिंग यूज की जाती है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। देन आइडल टाइम वेरिएंस इज आइडल टाइम इंटू एक्चुअल लेबर, आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, आइडल टाइम इंटू बजटेड लेबर रेट एंड आइडल टाइम इंटू हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो आइडल टाइम यानी कि जो टाइम वेस्ट होने हो रहा है या फिर जिस टाइमिंग में हम लोगों ने कुछ प्रोडक्शन नहीं किया है उसे आइडल टाइम कहा जाता है, तो आइडल टाइम का जो वेरिएंस आएगा वो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से आएगा, क्योंकि ये टाइम तो आइडल गया है, प्रोडक्शन तो हुआ नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड रेट जो है वो हमें पे करना पड़ा था, तो वेरिएंस जो है वो वेरिएंस इस इक्वेशन से निकलेगा, आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वॉल्यूम वेरिएंस इज डिवाइडेड इंटू कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस एंड इफिशियंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड इफिशियंसी वेरिएंस।
कैलेंडर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड इफिशियंसी वेरिएंस। तो करेक्ट आंसर है वॉल्यूम वेरिएंस जब निकालते हैं हम लोग तो कैलेंडर वेरिएंस देखते हैं, इफिशियंसी वेरिएंस देखते हैं और कैपेसिटी वेरिएंस देखते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन स्टैंडर्ड्स सेट प्रोवाइड यार्ड स्टिक्स अगेंस्ट विच डैश डैश आर कंपेयर्ड, बजटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, नन ऑफ दिस। तो स्टैंडर्ड जो सेट किए होते हैं यार्ड स्टिक्स के अगेंस्ट, तो हम एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कंपैरिजन उसका होता है परफॉर्मेंस के साथ जो कि एक्चुअल कॉस्ट में आता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन लास्टली द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मे नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ लार्ज कंसर्न, स्मॉल कंसर्न, ऑल कंसर्न्स, बोथ बी एंड सी। तो स्मॉल कंसर्न्स में और ऑल कंसर्न्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ की नहीं जाती है। तो जो लार्ज कंसर्न्स होती है जहाँ पर प्रोसेस यूनिट्स देखे जाते हैं, जहाँ पर इंजीनियरिंग यूनिट्स देखे जाते हैं, वहाँ पर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो टेक्निक्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं। तो लार्ज कंसर्न में ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पाई जाती है, तो स्मॉल कंसर्न्स एंड ऑल कंसर्न्स में हम लोग इसे नहीं देखते। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू। अब टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। तो इससे हमें एक्चुअल हमारा जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है वो मिलेगा। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ही करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब मटेरियल यूसेज है तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस इसमें देखा जाएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल यूसेज इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड यूसेज। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो आएगा वो एक्चुअल वेरिएंस, एक्चुअल यूसेज के साथ उसका स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस एंड एक्चुअल यूनिट प्राइस भी देखा जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा हमारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड यूसेज माइनस एक्चुअल यूसेज, स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस माइनस एक्चुअल यूनिट प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो होता है वो वेरिएंस होता है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस के साथ और स्टैंडर्ड यूसेज एंड एक्चुअल यूसेज के साथ। तो स्टैंडर्ड यूसेज माइनस एक्चुअल यूसेज देखकर हमें ये मिल जाता है। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। अब मटेरियल मिक्स जो है वो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स में हम निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस। टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम निकालेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम वर्कड, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम पेड फॉर, एक्चुअल टाइम टेकन इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम लोग एसेस करते हैं हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर के साथ। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश डैश कॉस्टिंग वेयर स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स और सर्विसेज रिजल्ट फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेटिव एंड मोर और लेस कंटिन्यूअस ऑपरेशंस टू व्हिच कॉस्ट्स आर कलेक्टेड एंड एवरेज्ड ओवर द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ऑपरेशन कॉस्टिंग जो होती है उसमें स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स और सर्विसेज जो कि हमारे रिपीटेटिव और कंटिन्यूअस और मोर और लेस ऑपरेशन की वजह से
ऑपरेशंस का रिजल्ट होता है और हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बन जाते हैं और उसकी जो कॉस्ट होती है वो कलेक्ट होती है हमारी एवरेज ओवर यूनिट प्रोड्यूस्ड पर्टिकुलर ईयर के लिए, मतलब ड्यूरिंग द ईयर में हम लोगों ने कितनी कॉस्ट उसके ऊपर इनकर की है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, तो वो होती है हमारी ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाइड इन बिस्किट इंडस्ट्रीज इज डैश कॉस्टिंग एंड इन स्टील इंडस्ट्री इज डैश कॉस्टिंग। तो बिस्किट इंडस्ट्रीज जो होती है वो जॉब कॉस्टिंग यूज करती है और स्टील इंडस्ट्रीज जो होती है वो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए, जॉब एंड प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज यूनिट कॉस्ट फॉर ईच प्रोसेस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डैश डैश बाय डैश डैश। अब एवरेज यूनिट कॉस्ट जो होता है वो टोटल प्रोसेस कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ प्रोसेस के हिसाब से निकाला जाता है, क्योंकि हमारी जो टोटल प्रोसेस कॉस्ट होती है पर्टिकुलर प्रोसेस की उसको हम उसी प्रोसेस के जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं और हमारी एवरेज यूनिट कॉस्ट को ले आते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर रॉ मटेरियल इज टू पास सर्टेन स्टेजेस बिफोर इट इज कन्वर्टेड इंटू फिनिश्ड गुड्स द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज इज डैश डैश। अब जब रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स तक पहुँचने से पहले डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है तो उसे प्रोसेस कॉस्टिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में मटेरियल जो होता है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, यानी कि वन प्रोसेस से नेक्स्ट प्रोसेस में आता है। अ प्रोडक्ट पासिंग थ्रू वन प्रोसेस टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड कमिंग टू द फाइनलाइज्ड स्टेज एंड वेयर इट बिकम्स अ फिनिश्ड गुड्स दैट कॉस्टिंग इज नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एक्चुअल लॉस इज मोर देन द एस्टिमेटेड लॉस द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कंसिडर्ड टू बी डैश डैश। जब हमारा एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड लॉस से ज़्यादा होगा तो हमारा वो नॉर्मल लॉस से ज़्यादा होगा तो उसे हम एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर हमारा एक्चुअल लॉस हमारे नॉर्मल लॉस को एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वो एबनॉर्मल लॉस बन जाता है। अब यहाँ पर व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन एस्टिमेटेड लॉस द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कंसिडर्ड टू बी। अब जब एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड लॉस से, यानी कि हमारा जो नॉर्मल लॉस है उससे कम होता है तो हमारा बेनिफिट है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमारा गेन हो जाएगा। अब जो ऑप्शंस हमें दिए हैं, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और इनकम, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है एबनॉर्मल गेन। जब एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड लॉस से कम होता है तो हमें एबनॉर्मल गेन हो जाता है, तो ऑप्शन इज वन, एबनॉर्मल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एक्चुअल लॉस इज डैश डैश देन द एस्टिमेटेड लॉस द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल गेन। देखिए फ्रेंड्स, ये सेम क्वेश्चन है, बस इसको घुमाकर पूछा गया है। व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन द एस्टिमेटेड लॉस एबनॉर्मल गेन अराइजेस, तो हमारा ऑप्शन होगा बी जो है लेस। व्हेन एक्चुअल लॉस इज डैश डैश देन एस्टिमेटेड लॉस द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कंसिडर्ड टू बी एबनॉर्मल लॉस। ये भी हमने देखा था, जब एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड लॉस से ज़्यादा होता है तो उसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, तो ऑप्शन ए मोर इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस लॉजिकली हमको देखना है और ठीक से हमें उसे एसेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन 1000 यूनिट्स आर 60% कंप्लीटेड इन अ प्रोसेस इट इज इक्विवेलेंट टू डैश डैश कंप्लीटेड यूनिट्स। अब जब 1000 यूनिट्स है और उसका 60% एक प्रोसेस में कंप्लीट हुआ है तो वो कितने यूनिट्स कंप्लीट होते हैं, तो अगर हम इक्वेशन पार्ट कर दें तो उसका आंसर आएगा 600, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट यूनिट्स रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ डैश डैश यूनिट्स। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स जो होते हैं वो कंप्लीटेड यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंप्लीटेड यूनिट्स ही इक्विवेलेंट्स यूनिट्स होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग की 5 सीरीज देखी है, जिनमें हमने 200 से ज़्यादा सॉल्वड MCQs को देखा है।
ये जो 500 सीरीज है ये आपको आपकी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगी। तो आप आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और सभी को हमारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए इन्वॉल्व कर लीजिए हमारी इस सीरीज़ में। तो दोस्तों अच्छे से इन सारी 500 सीरीज़ को एंड तक देखिए, इन सीरीज़ की पढ़ाई कीजिए। आप सभी को आपकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। हम लोग फिर से मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, नए सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।